हाँ तो नमस्ते प्रणाम दोस्तों, मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे दीपक फार्मेसी। आज मैं एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ जो कि अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है, जो कि आप लोगों के साथ बताना बहुत ज़्यादा जरूरी है और अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो बिना किसी देर किए हुए आज मैं आपको ऐसे 5 लक्षण बताने जा रहा हूँ जो कि अगर आप जान जाते हैं पहले ही, आपको शरीर आपको अंदाजा बता देता है कि हाँ मेरे शरीर में तकलीफ है। 5 ऐसे लक्षण बताऊंगा जिससे आपको पता चल सकता है कि हाँ आपको कैंसर का शुरुआती स्टेज हो रहा है या फिर कैंसर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। मैं इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ ये कि देखिए, ये सब जो प्रॉब्लम मैं आपको बताने जा रहा हूँ, 5 प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम किसी को भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ये कैंसर के कारण ही हो, ये बहुत सारा अलग अलग कारण। मैं बस एक रीज़न आपको बताऊँगा कैसे ये हो जाता है और कैसे ही आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। आपको ये वीडियो देख के चिंता में नहीं आना है कि अरे भाई मेरे को कैंसर हो गया, अरे भाई मेरे को ये हो गया, क्योंकि ये सब किसी को भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ये कैंसर का ही शिकायत हो, लेकिन 5 तरीका जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये 5 तरीका कैंसर में दिखता है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि ये ज़रूरी नहीं है, आपको कैंसर रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। अगर आप मान लीजिए मन में शक होता है तो आप नॉर्मली डॉक्टर को दिखा सकते हैं। बस इसलिए इस वीडियो को बनाया जा रहा है अवेयर करने के लिए कि हाँ आपको कैंसर है या फिर नहीं है। तो बिना मतलब के बकवास कम करते हुए वीडियो का ज़्यादा लेंथ बढ़ाने से अच्छा नहीं है, तो चलिए चल के स्टार्ट करते हैं, बताते हैं क्या बात है। अगर उससे पहले अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए कि मैं ऐसा वीडियो अगर आपके लिए लाता हूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए और वीडियो को जल्दी जल्दी आप देख सकें। देखिए, सबसे पहला कारण के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा वेट लॉस हो जाना। मान लीजिए आपको वेट लॉस हो गया है। वेट लॉस किसी भी कारण से हो सकता है, या तो हम लोग सही तरीका से खाना नहीं खा रहे हैं, या फिर हम लोग सही तरीका से खाना जो खा रहे हैं उसको एब्जॉर्ब नहीं हमारा शरीर कर पा रहा है, मल्टी विटामिन्स मिनरल्स को हम लोग का शरीर एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, इस कारण भी वेट लॉस हो जाता है। लेकिन अचानक वेट लॉस हो जाना, वो भी ज़्यादा मात्रा में वेट लॉस हो जाना, ये ज़रूर किसी बीमारी का संकेत लगता है। तो पहला कारण यही है, वेट लॉस हो जाना। तो पहला बात याद रखिए अपने शरीर में, अगर आपको ये कारण दिखता है, अगर मन में ऐसा शक है, तो आप चाहें तो अपने डॉक्टर से मिल सकते हैं और पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। पूछने में कोई हर्ज नहीं है, ये मत सोचिए कि वेट मेरा कम हो रहा है तो इसका मतलब आपको कैंसर ही हो गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पूछना है, मैं बस एक आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि आपको ऐसा ऐसा लक्षण दिख सकता है। पहले तो ये लक्षण हो गया। दूसरा लक्षण के बारे में बात करें, थकान कमजोरी का आना। देखिए, थकान कमजोरी किसी भी कारण आ सकता है। आजकल देखा गया कि कैंसर के जो पेशेंट होते हैं उनको थकान कमजोरी बहुत ज़्यादा लगता है। ऐसा क्यों होता है? जो कैंसर के जो सेल होते हैं, जो हमारे शरीर में हो जाते हैं, वो सेल क्या करते हैं, हमारे शरीर को धीरे धीरे पिघलाते रहते हैं, मतलब उनको ज़्यादा से ज़्यादा मल्टी विटामिन न्यूट्रिशमेंट का जरूरत पड़ता है, इस कारण कमजोरी जैसा महसूस होता है। अब कमजोरी अलग अलग कारण की वजह से भी हो सकता है, कोई और भी कारण होता है कमजोरी का कि समय पर हम लोग सो नहीं रहे, समय पर खाना नहीं खा पा रहे, इस कारण भी कमजोरी होता है। दूसरा कारण तो ये समझ लिया। तीसरा कारण के बारे में बात करें, परसिस्टेंट पेन, मतलब इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए कहीं भी शरीर के अंग में आपको दर्द है, कहीं पे भी दर्द रह रहा है, वो लंबे समय तक दर्द रह रहा है, तो इस कारण भी ये भी समझा जा सकता है। और भी आप पेन किलर भी खा रहे तो उसको ठीक नहीं हो पा रहा है, तो आप जल्दी से जल्दी जाके डॉक्टर से ज़रूर मिलिए कि ये पेन हमको क्यों हो रहा है, कि हमको कोई बीमारी तो नहीं हो गया है। डॉक्टर आपको सलाह देंगे, सही सलाह देंगे। चौथा बीमारी के बारे में बात करें, क्या चौथा लक्षण के बारे में बात करें, चेंजेस इन स्किन, स्किन में चेंजेस आ जाना। मतलब चेंजेस स्किन में आ जाने का क्या मतलब है? आपका सिर जो शरीर है, वो आपका जो चेहरा है, आपका हाथ है, आपका नाखून है, ये सब आपका पीला दिखने लगेगा, मतलब पीलिया जैसा दिखने लगेगा, मतलब जॉन्डिस हो जाएगा अचानक। जॉन्डिस हो गया है तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि आपको कैंसर का निशानी थोड़ा मोड़ा आपको आने लगा है, तो इसीलिए आप सबसे पहले जाइए और किसी भी डॉक्टर से मिलिए। डॉक्टर जी आपको बताएंगे कि क्या आपको प्रॉब्लम है, किस कारण ऐसा हो रहा है, ये तो आपने समझ लिया। लास्ट और फाइनल स्टेप के बारे में बात करते हैं, यूरिन में बदलाव आ जाना, मतलब पेशाब करने का जो समय है वो समय बदल जाना, या फिर पेशाब एक्सेस मात्रा में आ जाना, एक्सेस मात्रा में भी आ सकता है पेशाब, अलग अलग कारण है, या फिर पेशाब करने के समय जलन होना, जलन होने के साथ साथ आपको खून आना पेशाब के साथ, ये सब का अलग रीज़न हो सकता है, ये सब भी रीज़न आपको देखने को मिल सकता है। 5वां लक्षण यही है। अब हम एक बात आपको बताना चाहते हैं, देखिए कैंसर जो बीमारी है इसको शुरुआती में ठीक किया जा सकता है, ऐसा मत समझिए कंप्लीट इलाज नहीं है कैंसर का। ये माइंड में टेंशन नहीं लेना कि हमको ये 5 लक्षण है तो हमको कैंसर ही हो गया, नहीं, आपको पहले डॉक्टर से मिलना है, डॉक्टर ही आपको बताएंगे कि हाँ नहीं है, है कि नहीं है, वो सारा आपको जानकारी दे देंगे। क्योंकि देखिए, ये लक्षण किसी को भी हो सकता है, हमको भी हो सकता है कि हमको कैंसर हो गया है, नहीं, हम पहले अपना मन की संतुष्टि करने के लिए डॉक्टर को मिलेंगे, डॉक्टर बोलेंगे हाँ नहीं भैया आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा मोड़ा कोई मौसम चेंज की वजह, वेदर चेंज की वजह से आपको ये दिखने को दिख सकता है, तो आप परेशान मत होइए, मैं अभी आपको यही बात बता रहा हूँ।
तो अगर मान लीजिए, अगर मान लीजिए बोलते हैं हाय है तो उसका शुरुआती में इलाज हो जाए तो आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएंगे, कोई तरह का तकलीफ आपको नहीं होगा। बस ये वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद था। कैंसर को ठीक किया सकता है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं ठीक किया जा सकता है। बहुत सारा दवाई आता है, हम लोग के बुक में भी बहुत सारे दवा के बारे में बताया गया है, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है, देखिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ, देखिए पसीना आ रहा है, मैं बहुत मेहनत करता हूँ आपके लिए नया नया कंटेंट लाते रहता हूँ, 10 तरह का 20 तरह का वीडियो देखता हूँ, जो कंटेंट हमको समझ में आता है मैं वही कंटेंट बनाता हूँ आपके लिए। तो आपका भी एक फ़र्ज बनता है कि मेरे वीडियो को जितना हो सके शेयर करें और मेरे लिए एक सब्सक्राइब जरूर करें कि आपके लिए मैं ऐसे ही वीडियो बनाते रहूँ। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, ऐसे ही अपने भाई को फॉलो करते रहिए। धन्यवाद।